हाय गाइस, वेलकम टू एमबीज मैन केव। और आज के विस्की वेंसडे में हमारे पास है एक एक्सक्लूसिव रिव्यू। यस, फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन हिंदी आप देखेंगे रिव्यू जॉनी वॉकर की एक ब्रांड न्यू विस्की का, जॉनी वॉकर रेड राय। एक ब्रांड न्यू विस्की लॉन्च हुई है जिसके बारे में शायद आपने सुना होगा, शायद आपने अपनी जो फेवरेट वाइन शॉप है वहाँ पर ये विस्की देखी होगी। हो सकता है आपकी सिटी में, आपके स्टेट में आने वाली हो। बट ऑब्वियसली एक क्यूरियोसिटी होती है जब आप एक नई बॉटल देखते हो, यार ये विस्की कैसी होगी, क्या इसे लिया जाए कि ना लिया जाए, पैसे वेस्ट तो नहीं हो जाएंगे। सो डोंट वरी, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या ये विस्की वर्थ बाइंग है या नहीं। सो रेड राय फिनिश, अ ब्रांड न्यू एंट्री फ्रॉम जॉनी वॉकर। ये विस्की मार्केट में घूम रही है, नॉट इन इंडिया बट इंटरनेशनली पिछले 2-3 साल से घूम रही है एज एन एक्सपेरिमेंटल विस्की, जस्ट टू ट्राई आउट कि क्या ये विस्की लोगों को पसंद आती है। और शायद जिन्होंने भी विस्की टेस्ट करी, रिव्यूअर्स ने, एक्सपर्ट्स ने, उनको ये विस्की इतनी अच्छी लगी दैट जॉनी वॉकर डिसाइडेड दैट दे विल लॉन्च दिस विस्की इंटरनेशनली। और आज की डेट में ये आपके नियरेस्ट वाइन शॉप में अवेलेबल है। और ये विस्की आपको मिल जाएगी ₹1690 फॉर दिस 700ml बॉटल। यस, 700ml की बॉटल है ये, विच इज़ अ बिट स्ट्रेंज क्योंकि नॉर्मली इंडिया में 750ml की बॉटल चलती है। यूरोप में नॉर्मली व्हेन यू गो यू विल फाइंड 700ml बॉटल। और भी कुछ स्कॉच विस्कीज़ हैं जो इंडिया में मिलती है 700ml की बॉटल में, बट काइंड ऑफ अ स्ट्रेंज डिसीजन कि उन्होंने 50ml कम विस्की दे रहे हैं आपको। सो यू हैव टू कंसिडर द प्राइस जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, तो अराउंड 1800 के आसपास की आपको पड़ेगी, 1800-1900 की एक 750ml की बॉटल। और अगर मैं इसे कंपेयर करूँ रेड लेवल से, तो रेड लेवल आती है 1410 rupees की, सो अराउंड 300 rupees ज़्यादा महंगी है। बट क्या ऐसी बात है जो इसे विस्की को रेड लेबल से अलग करता है? अब उसके कुछ रीजंस हैं, आपको मैं समझाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस विस्की इज़ अ स्मॉल बैच विस्की, यानी कि इसे मास प्रोड्यूस नहीं करा जाता रेड लेबल ब्लैक लेबल की तरह। ये इसे छोटे छोटे बैचेस में बनाया जाता है। इनफैक्ट इसकी बॉटल में यहाँ पे इसका बैच नंबर भी लिखा हुआ है। और इस विस्की को स्पेशली बनाया है जॉनी वॉकर के मास्टर ब्लेंडर मिस्टर जिम बेवरेज ने। उन्होंने बहुत सारी विस्कीज़ के साथ एक्सपेरिमेंट किया और अल्टीमेटली डिसाइड किया कि सिर्फ 4 विस्कीज़ को वो ब्लेंड करके एक विस्की बनाएंगे। और उन 4 विस्कीज़ में जो बेस है, जो मॉल्ट विस्की है, दैट इज़ कार्डू, जो कि नॉर्मली और भी जॉनी वॉकर विस्कीज़ में यूज़ होती है एज अ बेस, जैसे कि रेड लेबल ब्लैक लेबल में जो बेस विस्की है दैट इज़ कार्डू। उसके अलावा 3 और ग्रेन विस्कीज़ को ब्लेंड करके इसे बनाया गया है। और उसके बाद इसे एक नॉर्मल बर्बन कास्क के अंदर, एक्स बर्बन कास्क के अंदर एज कराया गया है, जो नॉर्मली एक स्कॉच विस्की को एटलीस्ट 3 ईयर्स के लिए एज कराया जाता है। लेकिन उसके बाद एक और स्टेप भी इस विस्की में यूज़ करा गया है। एक्स बर्बन बैरल्स में एज कराने के बाद इस विस्की को फर्दर 3 मंथ्स के लिए एज कराया जाता है राय कास्क। राय कास्क यानी कि वो कास्क जिसमें राय विस्की को एज कराया गया है। नाउ जब आप हम बात करते हैं बर्बन विस्की की, तो 2 तरह की विस्कीज होती हैं। एक होती है रेगुलर बर्बन विस्की एंड देन देर इज अ राय बर्बन, जिसमें जो प्राइमरी इंग्रेडिएंट होता है, जो रेस्ट ग्रेन होती है, वो होती है राय। राय विस्कीज जो कि आपको नॉर्मली, जैसे मैंने बताया, बर्बन विस्की यानी कि यूएसए में मिलेंगी या फिर कैनेडियन विस्कीज में भी मिलेंगी, एक काफ़ी डिस्टिंक्ट टेस्ट होता है राय विस्की का, काफ़ी स्पाइसी होती है। कई लोगों को शायद पसंद भी ना आए, मुझे ऑनेस्टली आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ राय विस्कीज, बट मे बी शायद मैंने इतनी ज़्यादा राय विस्कीज ट्राई नहीं करी हैं। सो यू शुड ऑलवेज बी ओपन टू ट्राइंग समथिंग न्यू। सो ये एक स्कॉच विस्की है जिसे ऑब्वियसली एक रेगुलर तरीके से बनाया गया है, एक रेगुलर स्कॉच की तरह बनाया गया है, लेकिन उसके बाद इसे 6 मंथ्स के लिए राय कास्ट में एज कराया गया है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ स्कॉच विस्की विद सम बर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स, सम फीचर्स जो आपको नॉर्मली एक बर्बन विस्की में मिलेंगे। सो चलिए ट्राई करते हैं इसे और थोड़ा सा पोर करते हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राइंग इट। नॉर्मली एक रेड लेबल जो विस्की है, इट्स नॉट कंसिडर्ड टू बी एन अमेजिंग विस्की। आई थिंक उसे एक बहुत ही एवरेज विस्की माना जाता है। आई थिंक
इट्स अ फाइन विस्की. अगर आप स्पेशली अगर आप मिक्स करके पीना चाहते हैं देन रेड लेबल इज ओके. एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दैट दिस विल बी बेटर देन रेड लेबल. तो चलिए नोजिंग करके देखते हैं इसकी. डेफिनेटली वेरी वेलकमिंग अरोमा है इस विस्की का. इट वेलकम्स यू विद ओपन आर्म्स. आई एम गेटिंग अ बिट ऑफ मॉल्टीनेस बट एक डिस्टिंक्ट स्वीटनेस भी है इस विस्की में. एक फेंट स्वीटनेस आ रही है मुझे. हल्की हल्की मॉल्टी स्वीटनेस है. सरप्राइजिंगली देर इज नॉट अ लॉट ऑफ स्पाइसीनेस और इवन स्मोक. मुझे एक स्वीट मे बी अ मिक्स ऑफ मॉल्ट विस्की एंड बर्बन विस्की असर आ रहा है टेस्ट. देर इज अ बिट ऑफ बाइट ऑन द नोज जो एक एल्कोहल का बर्न होता है बट मे बी जो स्मोक जो स्पाइसीनेस है वो हल्की सी छुपी हुई है इसके पीछे. बट इट्स डेफिनेटली वेरी एज जैसे मैंने बताया इट्स वेरी इन्वाइटिंग वेरी वेलकमिंग ऑन द नोज. काफ़ी अच्छा फील कर रही है नोज में मुझे. लेट्स टेस्ट इट एंड लेट्स सी कि क्या टेस्ट करने के बाद भी मुझे उतनी ही वेलकमिंग लगती है. You can feel the spiciness. अच्छी खासी spiciness है मेरे मसूड़ों के अंदर तक मुझे वो जलन वो spiciness feel हो रही है. But there is one very surprising thing कि इसका जो taste है आपको जब आप इसे taste करेंगे अगर आप blind taste करते हैं आपको नहीं लगेगा कि आप एक scotch whiskey पी रहे हैं. आपको लगेगा कि आप एक bourbon whiskey पी रहे हैं. जो मुझे एक इंस्टेंट जो मुझे फील हुआ रिएक्शन आया मेरा. इट्स वेरी नाइस. आई डेफिनेटली लाइक्ड इट. एक रेगुलर रेड लेवल से अगर मैं कंपेयर करूं रेड लेवल में आपको हल्का सा स्मोक मिलेगा बट ऑफ फ्लेवर जो होते हैं ग्रेन विस्की के फ्लेवर न्यूट्रल्स स्पिरिट जैसे फ्लेवर्स काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे आपको. भपकस आएगा. देर इज़ नथिंग लाइक दैट इन दिस विस्की. मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत फ्रेंडली विस्की है पीने में बिकॉज स्पाइसीनेस अच्छी खासी है इसके अंदर. राय विस्की की जो स्पाइसीनेस होती है बट इट्स स्टिल वेरी डिलीशियस. इसका जो टेस्ट है एक बर्बन विस्की से ज़्यादा मिलता जुलता है. एंड देन यू गेट अ हिंट ऑफ स्मोक. बहुत ज़्यादा नहीं है. बहुत बैक एंड भी आपको फील होगा. देर इज ए नाइस मॉल्टीनेस और उसके ऊपर एक स्पाइसीनेस आपको फील होगी जो आखिरी तक रहेगी आपके मुंह में. आई थिंक अगर आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं इफ़ यू वॉन्ट टू ट्राई समथिंग विच यू हैव नॉट एक्सपीरियंस बिफोर आई थिंक इट्स अ नाइस विस्की टू ट्राई. आई विल डेफिनेटली से कि इसका जो टेस्ट है बेटर है रेड लेबल से. आई थिंक रेड लेबल इज अ काइंड ऑफ अ विस्की जिसे आप नॉर्मली मिक्स करके पिए तो ज़्यादा बेटर रहता है. बट आई वुड से दैट दिस इज वन विस्की जिसे आप इजीली नीट पी सकते हैं ऑन द रॉक्स पी सकते हैं. एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इसे अगर आप मिक्स भी करके पिएंगे इवन देन इट विल टेस्ट गुड. अगर आपको बर्बन विस्कीज पसंद है अगर आपको जिम बीम पसंद है एंड इफ यू वॉन्ट टू ट्राई समथिंग मोर स्ट्रोंगर समथिंग मोर कॉम्प्लेक्स देन गो फॉर दिस बिकॉज इसका जो टेस्ट है इट्स मोर क्लोजर टू अ बर्बन देन अ स्कॉच. और जब आप ये पियेंगे अगर आप बर्बन विस्कीज पीते आ रहे हैं जिम भी पीते आ रहे हैं और जब आप इसे पियेंगे यू विल अग्री विद मी. अगर मैं बात करूँ टेस्ट की एज आई सेड आई लाइक दिस विस्की एंड आई विल डेफिनेटली फिनिश दिस बॉटल. नॉर्मली जॉनी वॉकर विस्कीज की जो बॉटल्स हैं मैं खुद ख़त्म कभी नहीं करता हूँ. अगर कोई घर में आता है तो मैं उनको ऑफर करता हूँ वो ख़त्म हो जाती है. बट दिस इज़ प्रॉब्ली वन विस्की जिसे शायद मैं खुद ख़त्म कर दूंगा और शायद इसके बाद एक बॉटल और भी लेकर आऊँगा बिकॉज इट्स समथिंग न्यू टू ट्राई and I liked it. I'll give it 8.6 out of 10 for taste. और अगर मैं बात करूँ value for money की I think it's not a bad price I would say but
आई थिंक थोड़ी सी बेईमानी करी है उन्होंने जो ये 700 की बॉटल लॉन्च करी है. आई थिंक दे शुड हैव लॉन्च्ड अ 750 ml बॉटल. अदरवाइज द प्राइस इज नॉट दैट बैड आई विल से. सो इसका वैल्यू फॉर मनी स्कोर होता है 9.4 आउट ऑफ 10. सो इसका MB's मैन केव स्कोर होता है 9 आउट ऑफ 10, विच इज आई थिंक इज अ वेरी गुड स्कोर फॉर अ बजट स्कॉच विस्की फ्रॉम जॉनी वॉकर. सो दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को आज का ये वीडियो मुझे बताइए. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ. चैनल पर सब्सक्राइब करना तो भूलना मत बिल्कुल भी. आई एम श्योर आप लोगों ने सबने करा हुआ है सब्सक्राइब. देखते रहिए वीडियोज, चलते हैं जल्दी. तब तक के लिए चीयर्स.